हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज लाए हैं आप लोग के लिए फिजिक्स का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए रिवर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर्स। ए स्विमर स्विम अक्रॉस द रिवर विथ ए वेलोसिटी ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर्स। विथ रिस्पेक्ट टू वाटर द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द मैन विल बी इन। तो हमें निकालना है मैन का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। पहले देखेंगे, एक रिवर है, ठीक है, एक मैन को, एक स्विमर को क्रॉस करना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ। और रिवर का जो वेलोसिटी है वो दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर्स। तो मैन जो है वो, अब मैन का वेलोसिटी है वो 9 किलोमीटर पर आवर्स, और 9 किलोमीटर से वो क्रॉस करने की कोशिश करता है। लेकिन इस जो वेलोसिटी है रिवर का, वो उसको थोड़ा सा अपने वेलोसिटी से उसे पुश करते हुए आगे ले जाता है, ठीक है, और वो आ जाता है इधर। तो निकालना है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्विमर का वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका निकालना है स्विमर का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में करते हैं। इसका फॉर्मूला जो होता है, जब भी हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, मतलब हम मैन का वेलोसिटी, मैन ही जो स्विमर है उसका निकालना है, या फिर यहाँ पर हम फॉर्मूला में यहाँ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। तो इसका फॉर्मूला होता है, और इसके फॉर्मूला में हम पुट करेंगे, इसका आ जाएगा √117, ठीक है, किलोमीटर पर आवर्स, इतना आ जाएगा। ये बस फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूले में बस पुट करना है। इसका फॉर्मूला होता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहा कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्विमर का वेलोसिटी निकालना है, तो हम यही फॉर्मूला पुट करेंगे, क्योंकि हमें निकालना होता है ये, ठीक है, ये निकालता है इसका वेलोसिटी, जो खुद का वेलोसिटी जो लगा हुआ था स्विमर का, उसका वेलोसिटी और स्विमर का वेलोसिटी का √2 करेंगे, जो यहाँ इसका ये है वेक्टर फॉर्म में होगा, इधर से वेक्टर फॉर्म में एक रिजल्टेंट निकलेगा उसका, ठीक है, ये इसी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू किलोमीटर वाइड रिवर फ्लोइंग विथ ए रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर्स। ए मैन कैन स्विम इन द स्टील वाटर विथ 100 किलोमीटर पर आवर्स। ही वांट टू अक्रॉस द रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ, फाइंड क्रॉसिंग टाइम। तो यहाँ क्रॉसिंग टाइम ज्ञात करना है, और सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है शॉर्टेस्ट पाथ, तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए फॉर्मूला होता है, वो टाइम के लिए, मतलब टाइम निकालना है उसके लिए फॉर्मूला होता है डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ स्विमर कॉस थीटा। इसके लिए देखेंगे, एक मैन है, यहाँ पर एक रिवर है, और मैन जो है यहाँ से इसको क्रॉस करना है, और इसे शॉर्टेस्ट पाथ में, ठीक है, इसका वाइड दिया हुआ है, तो चौड़ाई 2 किलोमीटर दिया हुआ है, और जो रिवर जो है वो रिवर का वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, रिवर का वेलोसिटी वो 5 दिया हुआ है, ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर्स। तो यहाँ रिवर का वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर्स लिखेंगे, ठीक है। तो मैन वो एक एंगल बनाते हुए बढ़ेगा, यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसको कवर करना है, ठीक है, तो एंगल बनाते हुए क्रॉस करने की कोशिश करेगा, और वो जब वो क्रॉस करेगा, तो यहाँ पर एक वेक्टर बनेगा, तो वेक्टर फॉर्म बनेगा, जैसे कि यहाँ पर एक रिजल्टेंट निकला, और यहाँ VS sin θ होगा कंपोनेंट, और VS cos θ कंपोनेंट होगा। एंगल लेते हुए बढ़ेगा, और यहाँ जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, यहाँ वो जीरो हो जाएगा, ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम देखेंगे, तो पहले निकालना क्या है, टाइम निकालने का फॉर्मूला जो है लिखेंगे, और टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए हमें कॉस थीटा पता, मतलब थीटा पता होना चाहिए, तो थीटा तो यहाँ नहीं है, जो नहीं है अननोन है उसे हम पहले यहाँ पर लिख लेंगे क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ स्विमर, स्विमर का वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ रिवर, रिवर का वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर्स, और इसका चौड़ाई दिया हुआ है, चौड़ाई 2 किलोमीटर इसका चौड़ाई दिया हुआ है। और निकालना क्या है ये जानेंगे हम, तो निकालना है टाइम हमें निकालना है, और थीटा पता करना है, ठीक है, ये ज्ञात करना है।
सबसे पहले ये ज्ञात करने के लिए यहाँ तो हमें फॉर्मूला में हम देखेंगे कि हमें थीटा नहीं पता, तो थीटा सबसे पहले हम थीटा ज्ञात करेंगे। तो यहाँ जो है, यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, ये और ये दोनों कट जाएगा, एक दूसरे को कटेगा नेगेटिव और पॉजिटिव से, ठीक है। पानी इधर आ रहा है, जा रहा है इसका फ्लो, और ये इसका जो है मैन जो है इधर स्विमिंग कर रहा है एक एक कंपोनेंट लेते हुए, ठीक है। तो ये दोनों को काटेगा। तो अभी हम जानेंगे, इस पर निकालेंगे भी, जो ऐसे जब जब थीटा निकालना हो तो हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे, भी ए साइन थीटा इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर दिया हुआ है साइन थीटा, और यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रिवर भी दिया हुआ है, फिर यहाँ निकालेंगे और थीटा हो जाएगा 30 डिग्री, थीटा होगा 30 डिग्री। अब यहाँ पर हो जाएगा थीटा हो गया 30 डिग्री। तो अब टी मतलब टाइम में पुट करेंगे, तो टाइम यहाँ चौड़ाई दिया हुआ है 2, अभी ये मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर 10, और साइन मतलब कोस थीटा यानी कोस थीटा 30 थीटा का मान 30 निकला हुआ था, यहाँ 30 लिखेंगे और यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो आएगा कोस थीटा का जो होता है √3/2, इसको कैलकुलेट करेंगे, काटेंगे, यहाँ पर आ जाएगा इसका आंसर जो आएगा फाइनली वो होगा 2/5√3 आवर्स, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।